नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। ये सारा वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है, ठीक है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये वाई का है तो इसे वाई के नीचे ले आएंगे और डी एक्स को उधर ले आएंगे। अब थोड़ा एडवांस उसमें कर लो, डी वाई है उसके नीचे ये आ गया अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर और उधर चले गया डी एक्स, तो कितना अच्छा है, वाई के नीचे वाई का, एक्स अकेला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन चाहिए तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और इधर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है साइन इनवर्स x बाई ए, तो साइन इनवर्स y बाई 2 डी एक्स को हो गया x और प्लस में लगा दिया सी, यही आपका आंसर हो गया। बस इसमें क्या करूँ, अब 2 जोड़ूँ 2 घटाऊँ, यही आपका आंसर है, साइन इनवर्स y बाई 2 होगा ना इसका बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि कुछ इस तरीके की है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ मेहनत लगेगी बट हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के भी कर सकते हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए, डी वाई लिखिए और उस साइड डी एक्स लिख लीजिए, ठीक है। डी एक्स उधर गया पर उधर पहले से क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x है, ठीक है। और डी वाई के साथ ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि x का फंक्शन है, तो इसे यहाँ लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं भैया, बोलो हाँ है ना। हाँ सर लिख सकते हैं, इसको उधर भेजो उसको उधर भेजो, बात तो वही है, ठीक है भाई, इसको इधर ले आओ इसको ऊपर भेज दो, वही चीज़ है, पर आपको बनाना आना चाहिए। अब आप ये देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x में हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो अंदर से आएगा 2x प्लस 1, ठीक है जी। बट अगर आपको करना भी नहीं, आप ऐसे ही रहने दो इसे, क्योंकि बाद में तो पार्शियल लगाना ही है। तो 2x स्क्वायर प्लस x है, नीचे देखिए आप इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, पहले तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, इसे लिखा ब्रैकेट में और प्लस के साथ एक्स प्लस 1 लिख दिया ब्रैकेट में, क्यों लिखा सर, मज़ा आ रहे थे मेरे को ऐसे लिख दिया, तो ये लिख दिया, कुछ करा तो है नहीं अभी, ऐसे लिखा है। बट अब करेंगे, इनसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया बच्चे, इनसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो ये बना एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये भी है प्लस एक्स प्लस 1, इन दोनों को साथ में ले लिया तो ये बना एक्स प्लस 1, यहाँ से क्या आया एक्स स्क्वायर और वहाँ से क्या आया कुछ नहीं है तो 1 आया। तो या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 या कुछ और देखने मेथड तो देखिए, अगर कुछ और तरीके से करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा आप ऐसे ही कर लीजिए, एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, एक्स स्क्वायर जब आपने दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक्स आए यहाँ से 1 आए यहाँ से एक्स प्लस 1 है, बुक में भी ऐसे ही करा हुआ है, एक्स प्लस 1 यहाँ आए और एक्स स्क्वायर साथ में प्लस का 1, तो ये बना आपका एक्स प्लस 1 और साथ में यहाँ बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चे, डी एक्स। आप इंटीग्रेशन से पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते तो लगा लीजिए, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं, इधर कितना है 2x स्क्वायर प्लस x है, नीचे कितना है एक्स प्लस 1 है और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो पहला फैक्टर लीनियर है तो a अपॉन कितना लिख लेंगे x प्लस 1 लिख लेंगे, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए लिखते हैं b x प्लस c और नीचे कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है, एलसीएम ले लीजिए तो आप पे आएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस x, a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 गया प्लस b x प्लस c के साथ कौन है एक्स प्लस 1 है ये, ठीक है। तो एक बार हम x की जगह माइनस 1 डाल देते हैं पहले पुट, है ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, इसमें ही हमें 2x स्क्वायर प्लस x की जगह ये डालना है, एक बार x की जगह माइनस 1 डालते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है, तो ये 2 आएगा,
और एक्स की जगह माइनस वन। देखो ना दोबारा, एक्स की जगह माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, टू इंटू प्लस वन प्लस टू, और प्लस टू और माइनस वन तो टू माइनस वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। आप ये देख लीजिए अब जीरो कौन सा होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन प्लस वन जीरो होगा, जीरो इंटू ये पूरा गायब हो जाएगा। अब यहाँ ए है और ये एक्स की जगह माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन प्लस वन कितना प्लस टू, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू आ जाएगी। ये हम संभाल के रखेंगे, ये हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, हाफ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद एक बार एक्स की वैल्यू जीरो डाल लो, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो डालेंगे तो ये पूरा चीज़ जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना आएगा, ए जीरो प्लस वन कितना वन, प्लस बी इंटू जीरो कितना जीरो, और जीरो प्लस सी कितना सी, और यहाँ से जीरो प्लस वन कितना वन। तो ये आपको करना आना चाहिए बच्चों, ये मैं नहीं बताऊँगा आपको। ए प्लस सी जीरो के बराबर आ गया। एक बार अब आप एक्स की जगह वन डाल दीजिए, वन माइनस वन, माइनस वन डाल के वो आ गया, अब वन डाल दीजिए तो टू इंटू वन टू हो जाएगा, टू प्लस वन कितना थ्री, ए लिखेंगे। वन का स्क्वायर कितना वन, वन प्लस वन कितना टू, प्लस ये हो जाएगा बी इंटू वन बी प्लस सी, और वन प्लस वन कितना टू। हमें ए की वैल्यू पता है हाफ है, तो जैसे ही ए की वैल्यू हाफ डालेंगे, यहाँ टू चल रहा, यहाँ पे है टू टाइम्स ऑफ कितना बी प्लस सी, तो टू से टू कैंसिल होगा, अब ये वन है, थ्री माइनस वन कितना आ जाएगा टू, तो टू आ गया और वो बराबर है टू टाइम्स ऑफ बी प्लस सी के। तो भैया ये कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस सी कितने के बराबर आ गया, वन के बराबर आ गया। आप कैसे भी कर सकते थे, देखिए ए प्लस सी जीरो है तो ए इज इक्वल टू, मतलब सी इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए होगा। ए की वैल्यू पहले से निकाल रहे कि हाफ हो जाएगी, और बी प्लस सी वन है, इसका मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, वन माइनस सी, तो वन माइनस ऑफ सी, सी कितना है माइनस वन बाई टू है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो वन बाई टू प्लस वन कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू आ जाएगा। क्लियर है इतना, कितना आ जाएगा भैया, थ्री बाई टू आ जाएगा सर, ठीक है। तो आपके देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, सी आपका आ गया माइनस वन बाई टू, अब ये आपका आ गया प्लस का वन बाई टू। तो देखिए आपकी क्या बनी इक्वेशन, ये सारा मैं मिटा देता हूँ। और फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपकी क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन भी फिर मिटानी पड़ेगी किसी बार। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपके टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, ए ए कितना है हाफ, हाफ के साथ कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वन है, प्लस बी, बी कितना है हाफ, हाफ नहीं है सॉरी थ्री बाई टू है, बी कितना है थ्री बाई टू, साथ में कौन है एक्स, प्लस सी, सी कितना है माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वन। तो ये जो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसकी जगह हम ये डालेंगे, कहाँ सर, यहाँ बेटा, यहाँ डालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो आपका देखिए कितना आया, आप पे आया डी वाई बराबर इसके था टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो कि ये बना हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। और नीचे क्या चल रहा है बेटा, ध्यान से देखो क्या चल रहा है, एक्स प्लस वन, साथ में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा आपका डी एक्स। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं, यहाँ से मिटाया, और इसको ऊपर लिख लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई है, साथ में इन्हें अलग अलग करके लिखा, तो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटीग्रेशन हाफ ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन, और अपॉन में कितना है एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये है। साथ में आप पे क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है, डी एक्स लिख दिया। साथ में आप पे ये है, तो ये लिखा इंटीग्रेशन के साथ कितना, थ्री बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू, तो थ्री एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू, साथ में क्या है एक्स प्लस वन है, साथ में क्या है डी एक्स है, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे ये चल रहा है एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे चल रहा है। अब देखते हैं इनसे क्या आता है, हमने इससे ये काट दिया और इससे ये काट दिया, तो आप डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया, हाफ बाहर आया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपन कितना है एक्स प्लस वन है, प्लस यहाँ से क्या बाहर आ सकता है बेटा, कुछ बन सकता है यहाँ से, थ्री एक्स माइनस वन कुछ तो बनेगा नहीं,
बनेगा एक्स स्क्वायर का 2x, उससे भी बात नहीं बनेगी, अलग अलग करेंगे तब बात बन सकती है। तो देखिए मैंने क्या करा, 3x बाई 2 के नीचे ये लिख दिया क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो 3/2 बाहर आया। आपके ऊपर क्या है, x है, साथ में कौन है, dx है, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। साथ में ये -1/2 है, ये पूरा ही बाहर आया। यहाँ पे क्या है, dx है, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्या करा सर ये तो कट गए थे बेटा, तो 3/2 बाहर आया x के नीचे ये पूरा, और -1/2 बाहर आया dx के नीचे ये पूरा। बस अब सॉल्व करो, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कितना ले लें, t ले लें, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, x का dx होगा, t का dt होगा, तो x से dx आपका dt by 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट उसमें कर लेना बेटा, मैं यही कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना बन गया, t बन गया, x से dx कितना आया, dt by 2 आया, तो यहाँ dt है और एक और 2 बाहर लग जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू हाफ है, dx अपन x प्लस 1 हो गया, log ऑफ x प्लस 1, फिर 3/4 dt अपॉन t हो जाएगा, log t, और t की वैल्यू कितनी है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो ये मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, आप मल्टीपल स्टेप में करना ताकि आप बाद में कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। हमने t की वैल्यू डाल दी, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद आया क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो 1/1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस सी, ठीक है, सी लगा देना क्योंकि सब अलग अलग हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/1 को कुछ मत लिखना, ऐसे रहने देना, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। हाँ यही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही जनरल सॉल्यूशन निकालना, जनरल सॉल्यूशन। अब बच्चे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी है कि dy/dx इज इक्वल टू 1+y² अपौन 1+x² यहाँ पे है। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको भी पता है x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, तो dy के नीचे 1+y² ले आइए। देखिए dy इधर है, dx इधर है, ठीक है, dx इधर गया, ठीक है, तो नीचे कितना चल रहा है, 1+y² चल रहा है, तो 1+x² चल रहा है, वो तो रह गई, और 1+y² नीचे आ गया। ये रहा सर, क्या करा ये दोबारा बताओ प्लीज़। कुछ नहीं करा बेटा, आप ही देखिए, dx इधर गया तो उसके नीचे 1+x² आएगा जो कि ये रहा, और 1+y² नीचे आया। dy ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, ना इसने छोड़ी अपनी जगह, ना इसने छोड़ी, ठीक है, dx ऊपर चल गया, 1+y² नीचे आ गया। अब यही आपका सॉल्यूशन कैसा आएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, वेरिएबल सेपरेबल से हो गया ये, तो dy अपॉन 1+y² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1+x². अभी आपको पता ही है ये सारे किसके होते हैं, tan इनवर्स के होते हैं, tan इनवर्स के dx अपॉन 1+x² होगा tan इनवर्स x, और dy अपॉन y 1+y² होगा tan इनवर्स y। अब क्योंकि दोनों tan के आगे हैं, तो मैं अपना जो c लूँगा वो भी tan इनवर्स c फॉर्म में ले लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप सोफेस्टिकेटेड, मतलब जो अपीलिंग लगे वो आंसर आपको लिखना है सॉल्यूशन का, तो मैं c की जगह नॉर्मली tan इनवर्स c ले लूँगा। तो आप देखिए क्या बना, यहाँ पे है tan इनवर्स y, वो मैंने स्पेशली tan इनवर्स c ले लिया, और यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स c का फॉर्मूला लगाऊंगा, या b का, तो tan इनवर्स a प्लस b x प्लस c और 1-xc। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो एंगल कंपेयर हो जाएंगे, एंगल कंपेयर हो गए, यहाँ से y आया, दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan इनवर्स ही थी, और वहाँ से आया x प्लस c अपॉन 1-xc। दिस इज़ योर आंसर। अगर आप और अपीलिंग बना सकते हैं इसे, तो y के साथ 1-xc भेज देना, और यहाँ x प्लस सी रहने देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जनरल सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि अभी तक हमें c की वैल्यू नहीं पता है, जिस दिन हमें c की वैल्यू भी पता चल जाएगी तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, अभी तो ये ऐसा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि इन दोनों को साथ में बना दे, तो कुछ लोगों का आंसर ये भी बन सकता है, घबराना नहीं है। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x कितने के बराबर, tan इनवर्स c के बराबर, वो चाहते हैं कि c अकेला ही रहे, तो उनका ये भी सॉल्यूशन बन सकता है। मेथड नंबर 2, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x होगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1+xy, और बराबर कितने के, tan इनवर्स c के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल कंपेयर होंगे, तो y माइनस x अपॉन 1+xy बराबर कितने के आ जाएगा, c के, ये भी उनका आंसर हो सकता है, ठीक है, ये भी चलेगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा मैं इंक भर लूँ, फिर आपको आगे पढ़ाऊँगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ लॉग डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई के, इसके बराबर। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। बच्चों ये क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकता जब तक आप एंटी लॉग ना लगाओ। तो अगर आप दोनों साइड एंटी लॉग लगा लोगे तो जहाँ पे लॉग है वहाँ से तो हट जाता है, और जहाँ पे नहीं है वो चीज़ e की पावर बन जाती है। ये एंटी लॉग मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जैसे आपको दे रखा लॉग x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अगर दोनों साइड एंटी लॉग लगा लिया, एंटी लॉग ऑफ लॉग x और एंटी लॉग ऑफ y, तो जैसे ही एंटी लॉग को काटेगा तो ये x होगा और वो e की पावर बन जाएगा, तो e की पावर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। यही यहाँ करा, यहाँ से लॉग हटा तो ये चीज़ e की पावर बन गई, ठीक है, जो आपको दिख रहा है ये रहा। अब देखिए बेस सेम पावर ऐड होता है तो इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, तो e की पावर ए एक्स इंटू e की पावर बी वाई लिख सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। बट अब हमारा फ़ायदा हो गया क्या, देखो डी वाई के नीचे मैं e की पावर बी वाई ले आया और e की पावर ए एक्स के आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया डी एक्स, बस ख़त्म। हमें क्या करना है, e की पावर बी वाई को ऊपर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे डी वाई चलेगा, और यह है e की पावर ए एक्स और यहाँ पे चलेगा डी एक्स। बस यहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। सॉल्यूशन के लिए आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बी वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन आपको पता ही है e का e ही होता है, तो माइनस बी वाई आ जाएगा, और फिर माइनस बी वाई का माइनस बी कहाँ आ जाएगा, नीचे। ऐसे e की पावर ए एक्स का e की पावर ए एक्स होगा और ए एक्स का ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब प्लस बेटा यहाँ पे c ही लगा दो, क्योंकि अगर a b नहीं होते तो मैं यहाँ e की पावर c लगा सकता था, बट आज वो थे तो नहीं लगाया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं नहीं और कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर हमारा मन नहीं मानेगा। फिर क्या करोगे आप, यहाँ मुझे बताओ ना क्या करना चाहोगे, कुछ हो तो सकता नहीं है यहाँ। अब क्या करोगे आगे, और e के पावर माइनस बी वाई अपन माइनस बी है ना, इसको इधर ले आ जाओगे तो माइनस e के पावर ए एक्स अपन ए हो जाएगा और वो c रहेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब फिर हम एलसीएम लेना चाहेंगे, तो एलसीएम लोगे तो फ़ायदा ही क्या है तुम्हारा, a e की पावर माइनस बी वाई हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। इस माइनस को ऊपर ही रहने दो, है ना, ये ऊपर आ गया माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस a e की पावर माइनस बी वाई और ये बनेगा माइनस बी ई की पावर कितना ए एक्स, और बच्चे एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा और वो उधर जाके ए बी सी हो जाएगा। तो अगर ऐसा करना ही है तो यहाँ सी वन लिखते हैं ना, लेट अब ए बी सी वन को नया कांस्टेंट मान लेना सी, तो आप नई जो इक्वेशन आएगी वो आएगी माइनस ए ई माइनस बी वाई माइनस बी ई ए एक्स इज इक्वल टू सी, ये भी आपकी फॉर्म हो जाएगी। रहने दो सर हम पहला वाला ही करेंगे, बट ये भी सीख लिया तो क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, अरे वाह अब मज़ा आएगा आपको, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितने के, प्लस 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 एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितने के, जीरो के। यह है आपका क्वेश्चन। अब इसको भी वही होमोजीनियस से करेंगे, बट आपको नहीं पता होता ना होमोजीनियस से करें या वो करें या वेरिएबल सेपरेबल से करें, तो अभी तो वेरिएबल सेपरेबल चल रहा है यार, वही लगा लो, वैसे ही होमोजीनियस से भी हो जाएगा, बट अभी वेरिएबल सेपरेबल लगा लो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप इस वन प्लस एक्स स्क्वायर को एक ब्रैकेट में बना लो और ये प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक ब्रैकेट में बना लो,
तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसा आया बच्चे एक ब्रैकेट में प्लस, इन दोनों से आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो पहले से 1 आ जाएगा, दूसरे से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ कितना चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और बच्चे यहाँ से फिर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये भी है ये भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया। अगर आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच्चे यहाँ पे क्या बचा 1, और वहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर, और ये बराबर आ गया प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो के। रूट्स अलग अलग हो सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग हो गया और रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग हो गया, और इसको उधर भेज दिया तो ये माइनस एक्स वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बन गया। बस आपकी बात बन चुकी है। आप ये देखिए आपने क्या करना है, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ठीक है, और ये डी एक्स है, डी एक्स को आप इधर ले आए, और ये माइनस एक्स को अब अगर कहीं माइनस माइनस आ जाए तो वो एक्स के साथ रखे करो और सी भी एक्स के साइड ही लगाए करो ठीक है, कन्वेंशन है। अब बच्चे यहाँ क्या बचा, वाई बचा डी वाई बचा, और अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। सर क्या कराइए, वाई डी वाई अपनी जगह है बच्चे, इस रूट को नीचे ले आए, डी एक्स ऊपर गया एक्स नीचे आया माइनस के साथ, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह है। इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और आप कुछ देर के लिए क्या करें, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं तो बताओ, यहाँ पे क्या हो सकता है। अच्छा यहाँ पे तो चलो वो लेके हो जाएगा, बट यहाँ पे कैसे होगा, तो इसमें एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या करना। माइनस को तो बाहर रखो, यह है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, हाँ है ना, यस सर है। इस एक्स को ना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लो, तब क्या होगा सर, तब भी तो बात नहीं बनेगी। इस आप अगर ऐसे भी ले लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसका भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम कुछ भी ले लेंगे, टी यू ले लेंगे तब बन जाएगा ये डायरेक्ट। दूसरा वाला कैसे होगा सर, यार वो होने को तो हो जाएगा पर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है ना, दिक्कत ये है। तो क्या करें क्या करें क्या करें, सोचो 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 क्या कर सकते हैं, ये तो बड़ा गंदा फंस गए हैं। चलो ये तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, इसमें नीचे वाले को टी लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चाह रहा था रूट का स्क्वायर कर लो, उससे भी बात नहीं बनेगी, ये वाला तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, यहीं बता देता हूँ। पुट करना है 1 प्लस वाई स्क्वायर का, कुछ नई चीज़ पुट कर लो, अगर टी पुट करोगे तब भी बात बन जाएगी, बट मैं चाह रहा हूँ टी स्क्वायर पुट करो, इसकी वजह से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 1 का 0 होगा, वाई स्क्वायर का होगा 2y, वाई का हो जाएगा डी वाई, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, टी का हो जाएगा dt, मतलब दोनों को हमने वाई के रिस्पेक्ट में कराया है ना, तो dt बाई dy आएगा वो यहाँ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो आपकी आसानी से बन गई, देखो वाई डी वाई कितना बना t dt ठीक है भैया, और नीचे कितना है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर जो कि है आपका टी स्क्वायर ठीक है। ये हो गया आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लेंगे, तो हाँ नीचे ले लिया टी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, फिर dy, टी स्क्वायर का 2t, फिर dt, दो से दो कैंसिल होगा, ydy आपका 2dt हो जाएगा। चलो फिर टी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो टी से टी कैंसिल होगा, ये तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt आ गया। और ये अलग कैसे होगा, तो माइनस बाहर भेजते, एक काम करो x से मल्टीप्लाई कर लो, x से डिवाइड कर लो, तो एक x पहले से स्क्वायर लगा दो, तो देखो x से ये कैंसिल होगा, x से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, x ही आएगा। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ ना करो, मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे dx भी चल ही रहा है, आप पुट कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कुछ चीज़, जैसे यू स्क्वायर पुट कर लो, तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आ जाएगा 2x dx, और यू स्क्वायर का आ जाएगा 2u du, तब बात बन सकती है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स से dx हो जाएगा यू du, हाँ तब बात बन सकती है। तो देखते हैं क्या बात बन रही है, देखिए जी पहले इस वाली साइड को देखते हैं, माइनस चल रहा है ठीक है, रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ और नहीं है यू स्क्वायर है, फिर एक्स से डी एक्स हो गए यू डी यू अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कुछ और नहीं होगा यू स्क्वायर माइनस वन होगा, यू स्क्वायर माइनस वन। कुछ और हो सकता है यार, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे को न ले
तो फिर वन प्लस यू स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, वो तो देख लेंगे हम क्या हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका क्या बना, इज इक्वल टू, देखिए वन प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लिया, वन का जीरो वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई, टी स्क्वायर का टू टी डी टी, दो से दो कैंसिल, वाई टी वाई, ये जो है टी डी टी बना, वन प्लस वाई स्क्वायर आपका टी स्क्वायर बना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टी से टी कैंसिल, डी टी बचा, डी टी का आपका कितना आ जाता है, टी आ जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी था, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आपका टी बन गया, और टी की वैल्यू कुछ और नहीं है, कितनी होगी, अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर होगी। यहाँ से टी स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर है, तो टी कितना होगा, अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो माइनस ये यू इंटू यू, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो ये यू है, वो भी यू है, तो ये यू स्क्वायर बना, नीचे बना यू स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे बना डी यू, और यह है अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर, और सी भी यहीं लगाएंगे हम, ठीक है, जैसे भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में तब तक सेम आंसर नहीं आएंगे जब तक आप आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की वैल्यू ना डाल दें, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की वैल्यू डाल के सेम आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको पता है प्लस वन माइनस वन कर लेंगे बात बन जाएगी, तो यू स्क्वायर माइनस वन करा, साथ में प्लस वन करा, अपॉन में क्या चल रहा है, यू स्क्वायर माइनस वन चल रहा है, साथ में यहाँ पे डी यू है, साथ में प्लस वी लगा दो, और यहाँ अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर है। इन्हें अलग अलग करेंगे तो माइनस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन डी यू, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर। क्या करा सर ये, इसको सेपरेट करें यहाँ से, इसको सेपरेट करें यहाँ से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस आएगा। अब क्या हुआ, अब सिंपल सी बात है, ये कटा, माइनस ऑफ डी यू आएगा माइनस ऑफ यू, ठीक है, और फिर माइनस डी यू अपॉन, ये वही है ना, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो वन अपॉन टू इंटू वन लॉग एक्स माइनस वन, यू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन, और प्लस सी है, और यहाँ क्या है, अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर है। यू की वैल्यू डाल देना, यार यू कितना लिया था आपने, मेरे हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वन था यू स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस हाफ लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन प्लस सी बराबर अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर के। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है, यही आपका आंसर है भाई, मैं क्या करूँ, यही आना चाहिए, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब।